नमस्कार दोस्तों, एमसी टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल देख के आपको तो पता चल ही गया होगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल लोन के बारे में। तो दोस्तों, जो भी पे नियर बाई का रिटेलर है तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरी देखते रहिए, तो आपको पर्सनल लोन के बारे में पूरी डिटेल्स पता चल जाएगा कि इस लोन को कैसे मिल सकता है, कौन कौन इस लोन को ले सकता है और प्रोसीड्योर क्या क्या है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले और पास में रखे गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी पे नियर बाई का रिटेलर है, आप सबको लास्ट में जाके आपको इस तरह का एक पर्सनल लोन के आइकन आपको देखने को मिलेगा। तो इस आइकन के बारे में लगभग आपको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पता ही होगा और कुछ लोगों को बहुत सारी चीज़ पता होगा और कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा चीज़ पता होगा। तो जिस लोगों को पता है वो भी इस वीडियो को देखिए और जिस लोगों को पता नहीं है वो भी इस वीडियो को देखिए, तो आपको और भी अच्छी तरह से ये बात क्लियर हो जाएगा कि पर्सनल लोन क्या है और कौन कौन इस लोन को ले सकता है और क्या प्रोसीड्योर है। तो चलिए, इस पर्सनल लोन ये है पे नियर बाई से एक्सिस बैंक टाई अप होने के बाद ये लोन प्रोवाइड कर रहा है पे नियर बाई, और लोन जो दे रहा है वो है एक्सिस बैंक। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए, पे नियर बाई कोई लोन नहीं दे रहा है, लोन दे रहा है एक्सिस बैंक। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ पहले इस आइकन को, फिर मैं बताता हूँ। तो पहले ही आप यहाँ देख सकते हो, लोन कैन बी अप्लाइड फॉर सेल्फ और फॉर योर कस्टमर्स। यहाँ पे हेडलाइन में बता दे गया है कि इस लोन को आप खुद भी ले सकते हैं और कस्टमर को भी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो प्रोसीड्योर है उसके लिए यहाँ पे बताया गया है। पहले नंबर पर है मिनिमम सैलरी इनकम ऑफ ₹15,000 पर मंथ। तो जो लोन आप किसी कस्टमर को प्रोवाइड करोगे या खुद लोगे तो इनकम आपका 15,000 से ज़्यादा या 15,000 होना चाहिए, उसके नीचे अगर आपका सैलरी है तो आपको इस लोन नहीं मिलेगा। और दूसरा नंबर है अप्लाई फॉर अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन फ्रॉम 50,000 to 40 lakhs। आप देख सकते हैं यहाँ पे 50,000 से 40 lakhs तक आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है। आप अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप चाहे यहाँ से जितनी चाहे लोन ले सकते हैं। और तीसरे नंबर पे है अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग एट 10.99% पर अनाउंट। इसका मतलब है हर साल आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट देना होगा वो 10.99% तक आपको हो सकता है। ठीक है, मतलब 11% तक आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो 11% देख के हम लोग बहुत सारे लोग घबरा जाता है, 11% का हिसाब वो मिला नहीं पाता तो एक साल में कितना देना पड़ता है। तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि 11% अगर हुआ तो एक साल में आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप समझ लीजिए आप 1 लाख का लोन ले रहा है, ठीक है, 1 लाख का लोन आपको साल में हिसाब कर लेना है, एक साल में पूरी 11% आपको कैलकुलेशन कर लेना है परसेंटेज में। तो अगर 1 लाख का आप लोन लेंगे तो आपको एक साल में आपको इंटरेस्ट भरना होगा 11,000। अगर आपको कुछ छूट मिले तो आपको छूट भी मिल सकता है अगर आप पहले पेमेंट कर देता है तो। उसके बाद यहाँ पे चौथी नंबर पे जो पॉइंट है लोन ट्रेनू 12 to 60 मंथ। यहाँ पे बोल रहा है आपको 12 से 60 मंथ तक आपको लोन का जो ट्रेनू है आपको ये भरना पड़ेगा, मतलब एक साल के कम भी नहीं होना चाहिए और 60 मंथ मतलब 5 साल के भी ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, 1 साल से 5 साल के बीच में आपको लोन का जो
अमाउंट है वो भर देना होगा, और उससे ज़्यादा होगा तो आपको फाइन लग सकता है। तो जो दोस्तों जिसका कैश लिक्विड बहुत कम है वो चाहे तो यहाँ से लोन ले सकते हैं। पहले इस लोन को अप्लाई करने के लिए बहुत तकलीफ़ होता था, बैंक में बार बार जाना पड़ता था, तो यहाँ पे आपको बैंक में बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद घर बैठे यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और आपको 3 से 4 दिनों के बीच में आपको लोन मिल सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर लेना चाहते हैं लोन तो आप यहाँ पे अप्लाई नाउ के क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर डाल के जो भी प्रोसीड्यूर है, जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगता है आपको भर देना है, और जब अप्रूवल हो जाएगा तो आपको आपका वॉलेट में आपका लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों यही जानकारी आपको देना था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।